हेलो नमस्ते, मैं शिवानी दुर्गा प्रेडिक्शंस 2016 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2015 जा रहा है और 2016 आ रहा है, नई आशाएं नई उम्मीदें लेकर के। 2015 अच्छा बुरा सभी के लिए रहा, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि कभी भी कोई साल हमेशा अच्छा हो ऐसा नहीं होता या हमेशा बुरा हो ऐसा नहीं होता। ऐसा ही 2015 में था, बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हुई और बहुत सी चीजें बहुत नेचुरल डिजास्टर्स हुए, पॉलिटिकली बहुत चीजें अप डाउन हुई, अच्छी भी हुई और बुरी भी हुई। खासकर भारत के लिए जो है काफी अच्छा रहा, पॉलिटिकली कहूंगी कि मोदी जी ने जो है काफी अच्छी चीजें की हैं। उन्होंने जाकर के जो लोगों से मिलना, बाहर विदेशों की उनकी यात्रा सफल रही उनके लिए और हिंदुस्तानियों के लिए, सभी के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए। और मैं बीइंग भारतीय उम्मीद करती हूँ कि हमारा 2016 है वो भी भारत को उच्च शिखर पर ले जाने में एक कदम और सहायक होगा। मैं सभी के लिए उम्मीद करती हूँ कि 2016 में सबके लिए बहुत अच्छा हो, 2000 सभी के लिए शुभ हो। कभी भी कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमें हर चीज से लेसन्स मिलते हैं। बुरी चीज हमें सिखा के जाती है, अच्छी चीज हमें मोटिवेट कर। कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ चीजें नहीं बनती हैं, जुड़ती हैं हमारे साथ और कुछ टूट जाती हैं, कुछ पीछे चली जाती हैं। क्योंकि चेंज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चेंज को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हर पल, समय हर पल बदलता है। अगर बदलाव ना हो तो हम बोर हो जाएंगे। बदलाव ना होना ग्रोथ को रोक देता है, यानी कि हमारी जो संभावित आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं या बढ़ोतरी जिसे कहा जाए, सफलता है, उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। मैं अब शुरू करने जा रही हूँ 2016 की प्रेडिक्शंस। आपको नए साल की, नव वर्ष 2016 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस की भी आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए, माँ भगवती करें कि सभी के लिए 2016 बहुत शुभ साबित हो हर प्रकार से। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की पहली राशि, जो कि है मेष। देखते हैं मेष राशि के लिए 2016 क्या लेकर आने वाला है। ओके, मेष राशि, ये आपकी है जनरल प्रेडिक्शन। जनरल में पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा ये मैं बताऊंगी। आपके लिए बाहर विदेश से सहायता आ सकती है, विदेश का पैसा आपके पास आएगा, यानी कि आप शेयर मार्केट्स में पैसा लगा सकते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा और शेयर मार्केट से आपको लाभ है। उसके अलावा विदेशी जो मुद्रा है, ऐसा कोई कार्य जिसमें आपके पास विदेशी मुद्रा आए उससे आपको लाभ होगा। आपकी प्रॉपर्टी बनने के, अगर आपकी इच्छा घर बनाने की रही है बहुत समय से और आपका घर नहीं बन पाया है, तो ये साल पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगा, खुद का घर हो जाएगा। घर में कोई शादी ब्याह के योग बन रहे हैं, मतलब आपके घर में कोई ना कोई शादी ब्याह भी होगा और घर से आपको पूर्णतः सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा आपका जो साल है वो पूरे साल रैपिड ग्रोथ आपकी दिखा रहा है। विदेश जाने के आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश से आपको फायदा भी होगा। उसके अलावा कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन ये कहूंगी कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जनरल इसमें घर के लिए, घर के मामले में घर से सपोर्ट आपकी दिख रही है, पैसे के मामले में विदेशी पैसा दिख रहा है, शेयर मार्केट में आपको फायदा दिख रहा है। उसके अलावा आपके पास कोई नई खबर आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है आपके लिए, और जो कहीं अगर आपने पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे और जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी वापस से शुरू हो सकते हैं और उससे आपको फायदा भी हो सकता है। मेष राशि यानी कि एरीज, देखते हैं 2016 हेल्थ वाइज आपके लिए कैसा जाने वाला है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए जनरल के बाद में आपकी हेल्थ देखना चाहूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है। और हेल्थ के मामले में आपके कार्ड्स कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, शुरुआत जो है आपके 2016 की, हो सकता है आपको डॉक्टर के पास
पास जाना पड़े, आप केयर नहीं कर रहे हैं अपने हेल्थ की, आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आलस कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने में कोताही कर रहे हैं, आलस होने की वजह से आपके लिए हेल्थ वाइज शुरू का कह सकते हैं कि आपके जो 9 महीने हैं साल के हेल्थ को लेकर के इश्यूज रह सकते हैं पूरे सितंबर तक। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसके बाद जाकर के आपका हेल्थ थोड़ा सा ठीक होगा, वो भी अगर आप ध्यान देंगे तो। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी हेल्थ ठीक रहे? अगर आप चाहते हैं तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और क्योंकि मैं मेजर इश्यूज देख रही हूँ, इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं कि उनसे आपकी हेल्थ जो है आपके साथ अच्छी रहे। इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, रूटीन चेकअप आपके लिए जरूरी है। अभी देखते हैं आपके लिए वेल्थ कैसी रहती है। चलिए मेष राशि, अब देखते हैं क्या खुलता है मेरा टैरोस का पिटारा आपके वेल्थ सेक्टर। वेल्थ सेक्टर आपके लिए नई शुरुआत, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जनरल रीडिंग में, कि आपका जो है फाइनेंसेस से लेकर भी अच्छा रहेगा, बाहर के फाइनेंसेस आने के चांसेस है, और शेयर मार्केट में अगर आप लगाते हैं पैसा आपके लिए अच्छा होगा, नया कुछ शुरू कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, और आपके लिए फाइनेंशियली ये ईयर को फ्रूटफुल मान सकते हैं। आप बस चैरिटीज करते रहिए, जैसा कि कहते हैं कि जब हमें कहीं से अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, हमें भी ब्लेसिंग्स बांटनी चाहिए। बांटने से बढ़ता है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे पैसा। तो आप जो है जब आपके पास काफी पैसा आ रहा है इस साल में, तो आप इसको और सुदृढ़ करने के लिए, ताकि आगे कभी आपको कमी ना हो, आप दान दक्षिणा देना ना भूलेगा। दिस इज अ वे यू कैन थैंक्स द गॉडेस और द डिवाइन पावर जो आपको हेल्प करने वाली है हेल्थ का वेल्थ सेक्टर में। तो ये ध्यान रखिए कि आपको चैरिटीज करनी है। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आप सभी के जीवन में रहेंगे, क्योंकि अगर पूरा ही सब चीज मिलती जाएगी भगवान को याद नहीं करना। इट्स बेटर कि आप चैरिटी करते रहिए, और अगर कोई टिप्स आप जानना चाहते हैं आपके वेल्थ को सिक्योर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं तो फोन कर सकते हैं 9820815434। लेट्स सी कि आपका जो है रिलेशंस का सेक्टर आपके लिए कैसा है। चलिए मेष राशि, देखें आपके रिलेशंस किस तरह के रहेंगे। नया रिलेशन आपका बने, yes, यहाँ दिख रहा है कि रिलेशन वाइज भी आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर जो है आपके एंसेस्टर्स की, फैमिली की, बड़े बुजुर्गों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ये साल में, एज फार एज योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, बहुत ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, और भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है या जो डिवोर्स्ड है, अगर वो नए रिलेशन में जाते हैं तो ये साल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एरीज, आपके लिए फैमिली का सपोर्ट, जैसा पहले भी बता चुकी हूँ, फैमिली आपके पूरे सपोर्ट में रहेगी। आपकी मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, जो अनमैरिड है अभी तक, बैचलर्स है, मैरिज के उनके पूरे चांसेस है ये साल में। उसके अलावा स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिलेगी, स्पिरिचुअल हेल्प इन द सेंस डिवाइन हेल्प जिसे कहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली जब आप कहीं पे स्टक फील करेंगे इमोशनली, या कहीं आपको लग रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं मैरिज के लिए, या करना चाहते हैं, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं बट आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर डिवाइन हेल्प आपके पास आएगी और आपके रिलेशनशिप को बहुत मजबूती मिलेगी। ये साल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतरीन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखें एरीज मेष राशि, आपका जो है करियर ग्राफ कैसा रहता है। बिकॉज क्या होता है कि हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक है, फाइनेंसिस ठीक ठाक जा रहे हैं, लेकिन करियर जा किस तरफ रहा है, कोई स्टेबिलिटी है या नहीं, ये क्वेश्चंस कई बार रहते हैं। तो लेट्स सी कि आपका करियर का ग्राफ जो है वो किस तरह का रहेगा। करियर ग्राफ जो है मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये भी दिख रहा है कि अनस्टेबिलिटी रहेगी। डिसीजन लेने में जो है वो
वो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर हो सकता है कि कहीं डिसीजन ना आप ले पाए, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको फीमेल एनर्जी से हेल्प मिलेगी, यानी कि किसी स्त्री पक्ष से आपको मदद मिलती रहेगी, तो आप स्त्री का अनादर ना करें ये साल में। अगर ये साल, वैसे तो स्त्री का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी का अनादर कभी ना करें आप, स्पेशली ना करें, क्योंकि आपका नारी को अगर आप हर्ट करते हैं, स्त्री को हर्ट करते हैं, तो आपको उससे तकलीफ हो सकती है। तो बेहतर है कि ये साल में जो है आप देवी दुर्गा की पूजा करें, उससे जो है आपके करियर में जो मुझे अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी कहीं दिख रही है, जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रीजन वो है, तो वहां पर आपको जो है स्टेबिलिटी के लिए हेल्प मिलेगी। माँ दुर्गा, माँ भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगी कि आप जो है राइट डिसीजन लें। इसके अलावा आपके करियर के लिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ उपाय करें, जो कि आप कर सकते हैं। जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं मेरे साथ 9967452528 पर कॉल करके, और आप पा सकते हैं अपने लिए गाइडेंस और रेमेडीज घर बैठे बैठे। एरीज, ये था आपका जनरल प्रेडिक्शन फॉर 2016। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से कि आपका ये साल बहुत अच्छा और बहुत शुभ हो, मंगलमय हो आपके लिए। मैं बढ़ती हूँ अब अगली राशि की तरफ, जो कि है वृषभ, यानी कि टॉरस। बस यानी कि वृषभ राशि, देखते हैं 2016 कैसा रहेगा आपके लिए, और रिवील करेंगे ये सच्चाई मेरे कार्ड है। अमेजिंग, आपका जो है ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि आपके कार्ड्स हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावरफुल। हाँ, कहीं ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं शारीरिक चोट लगने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप शरीर को ज्यादा चोट ना आए, कहीं गिर सकते हैं या कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें कि ये ना हो। इमोशनली भी आप हर्ट हो सकते हैं, तो ये चीज का बस आपको ध्यान रखना है। बाकी कई चीजें जो है आपके पास स्वयं, कई जो चीजें चली गई थी वो भी वापस आ जाएंगी। पूरा साल आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। शिव भक्ति करें, शिव की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी जो है वृषभ राशि जो है शिव को रिप्रेजेंट करती है, नंदी बाबा है उसमें, जो वृषभ है वो नंदी है, तो शिव आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप शिव आराधना करते हैं तो आपके पास पावर बनी रहेगी, उस पावर का सदुपयोग करेंगे तो आपके पास जो है आने वाला साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। तो कंप्लीट पैकेज है 2016 आपके लिए, जैसा चाहे वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर आपके हाथ में रहेगी। सबसे पावरफुल कार्ड इसमें जो है वो द मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन यानी कि एल्केमिस्ट, जो अपनी लाइफ में खुद चीजें अपने विल पर क्रिएट करता है, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति पर वो चीजों को अपनी लाइफ में क्रिएट करता है, इज कॉल्ड एल्केमिस्ट। तो मजिशियन का कार्ड है आपके लिए, जो कहता है कि आपके पास शुरू में ही बहुत पावर रहेगी। अब आप पर डिपेंड करता है कि उस पावर को आप इस्तेमाल किधर करते हैं, डायरेक्ट किधर करते हैं। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में डायरेक्ट करेंगे तो आपके लिए पूरा साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है, और मुझे पता है कि आप इसको एकदम बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये है आपके जनरल कार्ड्स। चलिए टॉरस, देखते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है। हेल्थ में कि आपका साल जो है अच्छा जाने वाला है। सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर का जो विल पावर होता है हेल्थ को लेकर के, हम कई बार ऐसा होता है बीमार हो जाते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि अरे पता नहीं बीमारी कब तक लंबी चलेगी, कितना मुझे मेडिसिन खाना पड़ेगा। ये जो एक नेगेटिव फीलिंग है या थॉट है, अगर ये ना आए तो ये साल भी आपके लिए रॉकिंग रहेगा हेल्थ वाइज। बाकी जो मैं देख रही हूँ ये है कि आपको जो है ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बोन्स में पानी की शिकायत हो सकती है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। मेडिसिन के साथ में स्पिरिचुअल हेल्प भी लीजिएगा। स्पिरिचुअल हेल्प से मतलब है कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन स्पिरिचुअलिटी साइंस साथ में जोड़ दें तो मिरेकल्स होते हैं।
तो आप किस तरह से इस हेल्थ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो इश्यूज होने वाले हैं उन पर, उसके उपाय जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर, मेरी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो टॉरस, आपका तो हेल्थ का भी जो है, हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो आपका जो साल है 2016 बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप देखते हैं, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो अब देखते हैं, क्योंकि हेल्थ तो आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं अटक सकती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि नेगेटिव थॉट्स रहेंगे आपके खुद के हेल्थ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस थॉट को टेम करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं कि आपका वेल्थ सेक्टर कैसा रहने वाला है। वेल्थ में जो है, कहीं ना कहीं आप जो है थोड़े से तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी, जैसे रिजल्ट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहेंगी। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, तो आप जितना भी कर लें, आपके पास कितना भी आ जाए वो कम लगता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो आपके पास आए उसके लिए यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉडेस, और स्पिरिचुअल रहिए, जितना स्पिरिचुअल यानी कि अध्यात्म से जुड़िए, जितना आध्यात्मिक रहेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, इससे पार पाना इजी हो जाएगा। इमोशनली कहीं डाउन होने की वजह से आपका वेल्थ सेक्टर अफेक्ट हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल कि आपको इमोशनली कोई चीज आप पर हावी ना हो। दिल दिमाग पर हावी हो गया तो वेल्थ का जो आपका एरिया है माइनस में चला जाएगा। सो आप दिल और दिमाग को सिंक करके प्रॉपरली चलने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपके लिए मेजर इश्यूज हो सकते हैं। चलिए वृषभ, देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप्स का जो एरिया है वो किस तरह से जाने वाला है। वहां पर मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी नहीं रहते, नेगेटिव थॉट्स जो है फाइनेंशियली जो है कहीं पर, फाइनेंस आपका देखिए साइमल्टेनियसली चीजें हो रही हैं। वेल्थ का कॉर्नर आया, इमोशंस की वजह से अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। इधर आपका वेल्थ रिलेशनशिप्स का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है इमोशंस की वजह से अफेक्ट। और मैं यही कहूंगी कि आप जो है अपने नेगेटिव थॉट्स को जितना कंट्रोल में रखेंगे, नहीं आप पर हावी होने देंगे, उतना ये रिलेशनशिप्स के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा साल। स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिससे आपको लगे कि बस अब इससे ज्यादा इसको मैं नहीं टॉलरेट कर सकता या टॉलरेट कर सकती, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि जहां पर जाकर के आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगे, वो कंफ्यूजन वाला स्टेट आ सकता है, लेकिन उसमें भी एंजेलिक आपके पास आएगी। सो बी रेडी फॉर व्हाटएवर कम्स टू यू फ्रॉम द यूनिवर्स। निराश होने की या नेगेटिव होने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितना पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो वेल्थ एरिया हो, हेल्थ एरिया हो, जनरल आपकी लाइफ हो या आपका करियर हो, आपका ये साल उतना ज्यादा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे वही इस साल में आपके साथ होने वाला है। किस तरह से आप इस साल को बेहतर बना सकते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में, टिप्स जानने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए वृषभ राशि, देखते हैं कि आपका करियर ये साल कैसा है। आपके सभी कार्ड्स बहुत अच्छे आए, देखते हैं करियर आपका जो है आपके लिए अमेजिंग इज द वर्ड फॉर यू इन 2016। करियर वाइज आपका ये साल जो है, मैं आपको एक ही कार्ड दिखाऊंगी, वो है सन, द सन। उसके आसपास के कार्ड्स भी अमेजिंग हैं। दो, देयर इज अ कार्ड ऑफ डेविल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सन के साथ आने में ग्रहण भी, लेकिन डेविल जो है क्योंकि वेल्थ एरिया देखता है, पूरे अर्थ को देखता है, जो मनी सेक्टर है वो देखता है, तो करियर वाइज ये साल आपके लिए सबसे बेस्ट जाने वाला है और आपकी सभी विशेष जो है फुलफिल होंगी एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। तो इस एरिया में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई भी टिप देने की जरूरत है, क्योंकि यही आपका जो है सेक्टर, जो आपका करियर का सेक्टर है, वुड बी द बेस्ट वन, और ये आपके जितने माइनसेस रहेंगे उनको कवर करेगा। और जो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपको कोई जरूरत है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग भी होगी आपके लिए, फाइनेंसेस आपके खुल जाएंगे, फाइनेंसेस जो है आपके पास चल के आएंगे, आपको हेल्प चल के आ जाएगी करियर में, दुश्मन भी बनेंगे लेकिन आप सब पर फतेह हासिल करेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन, एंजॉय योरसेल्फ। ये थी आपकी 2016 के लिए रीडिंग्स। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपके किसी भी प्रकार के टिप्स पाने के लिए, या मंथली प्रेडिक्शंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें, या आप मुझे ईमेल लिखें डायरेक्टली और पाएं मंथली टिप्स या ईयरली प्रेडिक्शंस
या टिप्स जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनके लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देती हूँ नए साल की। ईश्वर करे, माँ भगवती करें आपके लिए 2016 बहुत ही बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं तीसरी राशि की तरफ जो कि है मिथुन यानी कि जन्म। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है हमारी तीसरी राशि मिथुन यानी कि जैमिनी। देखते हैं जैमिनी आपका 2016 कैसा जा रहा है। जैमिनी आपकी शुरुआत जो है आपके सपनों से होगी, यानी कि आपके जो सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो आपके कद से बड़ी हैं। आप उन्हें पूरा करना भी जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, हमें उसका बेस पता होता है, पहले बेस बना लेते हैं। आप बेस बनाए बिना ही किसी अगर कार्य को करेंगे तो अंजाम जो है जैसे चाहिए वैसे नहीं होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर मैं ये माइनस देख रही हूँ आपका कि महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी हैं, बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ड्रीम्स तो बहुत हैं, बट उनको अचीव करने के लिए बेस नहीं है आपके पास इस साल में। और या ये कह सकते हैं कि आप बेस बनाए बिना ही सब चीजें पाना चाहते हैं। आप हार्ड वर्क के थ्रू नहीं जाना चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि प्लेटर पर आपके सामने सब चीज आ जाए। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि वैसा नहीं होगा। इसी वजह से ये साल थोड़ा सा यहाँ माइनस दिखा रहा है इस चीज को लेकर के, जो जनरल में आपका देख रहे हैं ओवरऑल कहीं ना कहीं माइनस है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे लेकिन उसके लिए मेहनत उतनी नहीं करेंगे। फाइनली ये होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर आप स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता तो भगवान का सहारा होता है। ये उक्ति आपके ऊपर एकदम सही साबित होने वाली है। पूरा साल आप जो है काम नहीं करके और रिजल्ट्स पाना चाहेंगे, फल को प्राप्त करना चाहेंगे। बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कैसे पाएंगे, पर ये साल कुछ ऐसा ही आपका बीतने वाला है कि बिना बीज बोए, बिना उस बीज बोने के बाद अगर आप उसको सिंचन ना करें तो भी नहीं होता है, खाद ना डालें तो भी फल प्राप्त नहीं होते। तो कहीं ना कहीं माइनस है, लेकिन स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ ईयर, और स्पिरिचुअलिटी जो है आपको हेल्प भी करेगी। काफी बड़े साधु संतों से आपका मिलना होगा, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या रिलीजियस पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या हो सकता है ट्रांसलेट करें या लिख भी सकते हैं। इससे जो है आपके मन को शांति प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं जो आपके आगे के हिस्से की तरफ जो कि है आपका हेल्थ। आपकी हेल्थ देखते हैं 2016 में कैसी रहने वाली है जैमिनी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको डेली टिप्स भी दे सकती हूँ, और उसके अलावा जो है मैं आपको आपकी मंथली प्रेडिक्शंस भी बता सकती हूँ, ताकि आप अपने आगे वाले समय को डिजाइन कर सकें खुद। देखते हैं आपका हेल्थ क्या कहता है। आपका हेल्थ जो है वो कहता है कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, आप हेल्थ रूल करेंगे। ये कह सकते हैं कि कोई रूलर होता है, इस बार आप अपने हेल्थ एरिया में अपने रूलर रहेंगे और आपकी हेल्थ काफी अच्छी जाने वाली है। हेल्थ के कोई इश्यूज आपको नहीं होने वाले, मैं हर उसमें सेक्शन में ये कहती हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आपकी हेल्थ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी ये साल में। आप जो रेगुलर आपके चेकअप्स होते हैं वो जरूर कराते रहें। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। अगर आप अपने पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस चाहते हैं मिथुन राशि, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड है, या जनरली आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और कोई जो प्रॉब्लम्स है उनको आप किस तरह से सॉल्व करें, इसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो ये तो था आपका हेल्थ सेक्टर जो कि बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है। आपका अगला सेक्टर हम देखते हैं जो कि है वेल्थ सेक्टर, यानी कि मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, या जो एंसेस्ट्रल हमारी प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड आपका ये साल कैसा रहेगा मिथुन राशि। वो ये कह रहा है कि 2016 में
आपको सेविंग्स करनी होगी, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि आपको जो मिलने वाली है या मिल सकती है, उसमें ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दें, काम करें उसके ऊपर। मान लीजिए कि कोई आपके घर में, जो आपके दादाजी हैं या आपके पुश्तैनी कोई आपकी प्रॉपर्टी है या लैंड है, प्रॉपर्टी का अगर कहीं पे मैटर आ रहा है तो बी वेरी केयरफुल कि आप पेपर्स ध्यान से पढ़ें और ये ध्यान रखें कि आपके साथ धोखा ना उस प्रॉपर्टी में। दूसरी चीज, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी अगर आप इसके रिजल्ट्स चाहते हैं कि आपके फेवर में आए, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बंटवारा हो सकता है फैमिली के अंदर, जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, अपने अपने शेयर्स दिए जा सकते हैं। तो वहां पर कहीं पर मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि इसके लिए फिर आपको लीगल इसमें जाना पड़े, लीगल हेल्प लेनी पड़े, आपको लिटिगेशन में फंस सकते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही जो है ध्यान रखें, पेपर्स कहीं आपसे मिस ना हो जाए या पेपर्स के ऊपर कोई और आपसे गलत साइन ना करवा ले। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपकी प्रॉपर्टी का कहीं मैटर है जो कि आपको घर से मिल सकती है या शेयर्स मिल सकते हैं, तो उसमें भी पूरा एहतियात करिएगा। बाकी आपको अगर टिप्स चाहिए कि आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं कोई फ्रॉड होने से आपके साथ या कहीं लीगल इश्यूज होने से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दूंगी आपको टिप्स जो कि आपको बचा सकते हैं इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में जाने से। लेट्स सी योर रिलेशनशिप एरिया मिथुन, देखते हैं कि क्या कहता है ये 2016 में आपका रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपका जो रिलेशनशिप का एरिया है, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशंस में कुछ फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं या काम करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं जैसे चाहिए वैसे जो मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे। काफी जो जो बैचलर्स हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे नए पार्टनर्स आ सकते हैं, उनमें से आपको एक पार्टनर के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या रिलेशनशिप्स जो ब्रेक हो चुकी हैं या होंगी उनमें नए पार्टनर्स आएंगे, नई रिलेशनशिप्स बनेगी आपकी। जो भी होगा होगा कहीं ना कहीं, इसको कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप आपकी होगी वो होगी आपके किसी ना किसी काम से रिलेटेड, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम से रिलेटेड, मेंटल मैरिज कह सकते हैं इसे आप। तो इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप्स में जो भी आप फायदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा हाई है, आपने दिया बहुत कम है, इस तरह का इसमें रहेगा कि आपकी जो इनपुट है वो उतना नहीं होगा, आप उसके बदले में एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे। यू वोंट बी सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू आर गेटिंग। आप चाहे वो वेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप जो कहते हैं इक्विलिब्रियम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई रहेंगी और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं होने की वजह से यू वोंट बी सैटिस्फाइड। ये कोशिश कीजिए कि जो मिले आप ज्यादा देने की कोशिश कीजिए तो अपने आप आपको मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करके कुछ भी देंगे तो रिटर्न्स उतने बढ़िया आपको नहीं मिलेंगे। सो इट्स बेटर बी गिविंग इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स, बी गिविंग। तो आप जब देंगे तो आपको एनीवेज उसके रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। रही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की बात, तो मैं नहीं कहूंगी कि इतना स्टेबल ईयर होगा आपके लिए, इसमें कहीं ना कहीं बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं, मन मुटाव दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बोरियत दिखाई दे रही है, इंथुजियाज्म दिखाई नहीं दे रहा है। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बार फिर से कहूंगी, बार बार कह रही हूँ कि ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, कस्टमाइज्ड रीडिंग चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने लिए 2016 की रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए आपके लिए अब बढ़ते हैं मिथुन राशि आपके अगले सेक्टर की तरफ, जो कि है आपका करियर का सेक्टर। चलिए मिथुन राशि, देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा 2016 में। तो करियर के लिए मैं कहूंगी बहुत बढ़िया, उम्दा कह सकते हैं ये साल आपके लिए जाने वाला है। करियर आपका सेट होगा, बाहर जाएंगे आप, और जिनकी इच्छा है बाहर जाने की, बाहर अपना करियर सेट करने की, बाहर से पैसा कमाने की, बाहर बिजनेस करने की या जॉब
के लिए जो जाना चाहते हैं बाहर, उनके लिए साल बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली, अगर कहीं वीजा की प्रॉब्लम हो रही है या कंपनी में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें बाहर भेजा जाए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है उनके लिए सक्सेसफुल रहेगा। छोटे मोटे जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके वो ऑब्स्टेकल्स पूरे दूर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका फॉरन ट्रिप हो पाए। उसके अलावा ये साल में करियर में आपको जो है काफी सारे प्रमोशंस मिलने के पूरे चांसेस हैं, आपकी मेहनत जो है पास्ट में की हुई रिवॉर्डिंग रहेगी आपके लिए। आप लोगों की जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली कहूंगी ये साल बहुत अच्छा है, तो आप फोकस कीजिए आप क्या चाहते हैं ये साल में करियर से रिलेटेड, तो जो भी आप चाहेंगे वो इस साल में आपका पूरा होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं अपनी कंपनी के थ्रू और प्रोग्रेस चाहते हैं अपने करियर में और ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके लिए साल बहुत उम्दा है। बिजनेस वालों के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया रहेगा, बाहर से पैसा आने के पूरे चांसेस हैं, बाहर की करेंसी आएगी आपके पास में और हो सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में आपको मेजर फायदा हो, तो अगर ऐसे कोई चांसेस आपके साथ बनते हैं, कोई ऐसी डीलिंग्स आपके साथ सामने आती हैं, किसी के साथ सेट होती हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी गो अहेड, बिकॉज इस समय आपको जो है आपका लक बाहर के पैसे को लेकर के फेवर कर रहा है। ये जो हॉर्स है जो राइड कर रहा है आपको लेकर के, आप इसे ले जाइए विदेशों में और ये जो है आपको वहां से बरकत लेकर आएगा। इसके अलावा गैम्बलर्स के लिए भी ये साल मैं कहूंगी, मिथुन राशि, स्पेशली मिथुन राशि में जो गैम्बलिंग करते हैं उनके लिए भी साल बहुत अच्छा रहेगा, गैम्बलिंग में उनका जो है लक उनका साथ देगा। नंबर्स जानने के लिए जो गैम्बलर्स हैं वो नंबर्स जानने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, मेरी वेबसाइट पर, या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो आपको मैं देना चाहूंगी बधाई अभी से ही, नए साल की शुभकामनाएं भी, माँ भगवती करें आपका ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आए, करियर सेट हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो, हेल्थ आपकी अच्छी रहे। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।